नमस्ते, न्यूज़ ANI में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट गुरप्रीत सिंह। डिस्ट्रिक्ट गेम्स 2021-2022 का आयोजन किया गया बाय अंडमान निकोबार स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन। इसमें 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर जैसी बहुत सारी एथलेटिक गेम्स थी और इवेंट्स जैसे लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, जावलिन जैसे इवेंट से इस दिन का बहुत ही अच्छा यूज़ किया गया। हमारे बहुत से यंगस्टर बच्चे इनमें पार्टिसिपेट किए और बहुत सारे बच्चों ने मेडल्स जीते। आइए मैं आपको ले चलता हूँ नेताजी स्टेडियम, जहाँ पर हमारी बात इन्हीं बच्चों से हुई और हमारी एक्सक्लूसिव बात हुई है कोच से। आज हम डिस्ट्रिक्ट गेम 2022 जो नेताजी स्टेडियम में है हम लोग, और हमारे साथ है मम्मू सर जो कोच है और नेशनल और इंटरनेशनल एथलीट है। तो हम उनसे बात करेंगे कि आज जो बच्चे इनके तरफ से जो पार्टिसिपेट किए उनके बारे में और सर के बारे में कि इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं वो। तो अभी इन्होंने हाल फिलहाल में किस किस गेम पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया। तो मम्मू सर वेलकम, हम ANI न्यूज़ की तरफ से आए हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि जो अभी डिस्ट्रिक्ट हो रहा है स्टेट, तो इसमें बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपका क्या योगदान और आपने कहाँ कितने बार इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अभी जस्ट 4-5 साल से ही ट्रैक एंड फील्ड में थोड़ा मेहनत चल रहा है। सभी लास्ट वर्ल्ड पुलिस चैम्पियनशिप हुआ था चाइना में, जो हम इंडिया पुलिस को रिप्रेजेंट किया था, जिसमें मेरा 3 मेडल आया था। जो 3 इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, 100, 200 और लॉन्ग जंप, तीन में जो हम इसमें जो 3 मेडल आया था आपका सर, गोल्ड था या सिल्वर था या ब्राउन्स था? जी लाल, आप लोग का सबका दुआ था, 3 गोल्ड मेडल ही आया था। ओह वेरी गुड सर। उसके बाद फिर एशियन गेम मलेशिया, उसके बाद फिर एशियन ओपन था जो श्रीलंका कोलंबो, उसमें भी 3 गोल्ड मेडल आया था 100, 200 एंड लॉन्ग जंप में। फिर अभी आप लोग सबका दुआ रहा हो तो नेक्स्ट अभी हमको नेक्स्ट मई फर्स्ट वीक में जो हमारा गेम है वर्ल्ड 5 प्रैक्टिस गेम पुर्तगाल में है, वहाँ पे अभी तैयारी चल रहा है, बट अभी थोड़ा अनफिट चल रहा है छोटा सा इंजरी की वजह से। अभी लास्ट कुछ महीने से कोविड वगैरह की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम दिक्कतें आ गया था हमारे ट्रेनिंग वगैरह में, बस हम तो बहुत खुश नसीब है जो हमारे अंडमान निकोबार पुलिस जो हमको इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है और अंडमान निकोबार स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन जो हमको हर जगह सपोर्ट करता है। तो और ये डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन जो चल रहा है इसमें सबसे अच्छी बात यह कि हमारे जूनियर बच्चे जो हैं अंडर 14, 16, 18 जो 20 के हैं ओपन कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सब अपने अपने बेस्ट दे रहा है। तो अभी कुछ 3-4 सालों से जो हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग चल रहा है बच्चों का, वैसे मैं एक कोच नहीं हूँ, मैं एक एथलीट हूँ, बस हम अपने ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो बच्चे जो हमारे साथ मिलकर ट्रेनिंग करते हैं, वैसे कोच के इसमें नहीं, मैं खुद अपने वर्कआउट के साथ साथ बच्चों को भी कुछ ट्रेन कर लेता हूँ। ठीक है सर, हम एक बात पूछना चाहते हैं कि अगर आप कोच नहीं हैं, अगर कोई बच्चा बाहर से आकर आपसे ट्रेन लेना चाहता है ट्रेनिंग, तो क्या आप देते हो?
ऑब्वियसली कोई भी अगर इंटरेस्ट लेके आते हैं तो मैं तो यही चाहूँगा कि हमारे अंडमान से बच्चे आगे बढ़े, नेशनल इंटरनेशनल लेवल जाए। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि ये बच्चे नहीं और भी बच्चे जुड़े खेल से, जुड़े खेल से जुड़ने से, जैसे ट्रैक एंड फील्ड इंडिविजुअल गेम है आपका, तो कोई भी आके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पूरे टीम को, तो हमारे पूरे टीम के साथ उन ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो हमारे साथ में भी अजीज़ जो जूनियर है, वो सुरेश बहादुर जो हमारे एथलीट्स ही हैं, जो उन लोग भी साथ मिलकर ट्रेनिंग देते हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो भी है, पेरेंट्स को तो हम यही कहना चाहूँगा कि बच्चों को जो है स्पोर्ट्स में भी आप लोग मोटिवेट करिए। पढ़ाई तो ज़रूरी है, 100% चाहिए, पढ़ाई के साथ में अगर बच्चों को अगर स्पोर्ट्स में भी बढ़ाएगा तो बच्चों का सबसे पहले तो फिज़िकली फिटनेस अच्छा रहेगा, बच्चे जो है नशा वगैरह जो आज चल रहे हैं वो सबसे दूर रहेगा। अभी ये सर कितने दिन तक चलेगा स्टेट डिस्ट्रिक्ट? सर ये तो दिया हुआ है आज 26 एंड 27 कल का, तो अगर कल तक अगर कंप्लीट हो जाता है तो बेसिकली कल हम लोग कोशिश करेंगे कि संडे कल शाम तक इसको ख़त्म करने का, शायद हो जाएंगे। आज ऑलमोस्ट गेम हो चुका है, आज मोस्टली इवेंट हो गया, अभी लंच ब्रेक है, उसके बाद में भी देखते हैं कि इवनिंग सेशन में जो बचा हुआ इवेंट आज कंप्लीट कर देंगे और नेक्स्ट जो भी बचा हुआ हम लोग कल कंप्लीट कर देंगे उसमें। तो सर ANI न्यूज़ को आपने बहुत ही अच्छा इंटरव्यू दिया और आपसे बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों को जो आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके टीम की तरफ से, और चाहेंगे कि आप आगे जाए और अंडमान और इंडिया का नाम रोशन करें, फिर से इंटरनेशनली में मेडल लाए, तो हम यही हमारे सारे ANI टीम की तरफ से और व्यूवर्स की तरफ से थैंक यू सर और कांग्रेचुलेशन। अच्छा आज हमारे साथ है तीन चैंपियन जो डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ पोर्ट ब्लेयर में नेताजी स्टेडियम में, तो अब हम चैंपियन और उनके कोच जिन्होंने यहाँ तक इनको मदद किया पहुँचाने में, तो हम इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका नाम? विनीत। विनीत, आपका मेडल क्या था? ब्राउन्स। ओके, और आप? जय अभिषेक। और आपका मेडल? गोल्ड। आप? सुरेश बहादुर, सिल्वर मेडलिस्ट। ओके, और हमारे साथ है इनके पीछे जो है वो है कोच, तो हम कोच सर से बात करते हैं। माय नेम इज केपी मम्मू। तो सर ये तीन चैंपियन को अंडमान में बनाने के लिए मेहनत, और आपका ये जर्नी कैसे रहा? इसमें मेरा मेहनत तो नहीं बोले जी, इनका जो मेहनत है, सबसे पहले तो यही बोले कि इनका मेहनत सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज जो हमारा ही बीच से एक, चलो हमको बहुत खुशी है कि मेरे स्टूडेंट बोले जो अभिषेक जो एक अच्छा रिकॉर्ड किया है, मतलब हम जो उम्मीद नहीं किया था उससे बेटर। और क्या रिकॉर्ड था सर? 100 मीटर 100 मीटर रिकॉर्ड था, जो सुरेश बहादुर उनका पर्सनल बेस्ट है नेशनल लेवल 11.02। ओके सर, जो आज अंडर 18 अभिषेक जयपाल जो आज वो रिकॉर्ड को अंडमान निकोबार अंडर 18 में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाना बहुत बड़ी बात है 11.03। तो हम ये तो नहीं बोले कि मेरा मेहनत नहीं है सर, ये मेरा वो उनका खुद का मेहनत है। सबसे पहले तो उनका माँ बाप, उनका पेरेंट्स जो बच्चा को इतना उसके ऊपर भरोसा किया, उसको लेके इतना ज़्यादा इंस्पिरेशन था, उनका पेरेंट्स ही उसके इंस्पिरेशन, क्योंकि उनका पेरेंट्स का सपोर्ट के बदौलत ये बच्चा आज ये रिकॉर्ड बना पाया, बहुत अच्छी बात है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जो विनीत राज, अभय राज, सुरेश बहादुर, राकेश बहादुर, राम साइनाक जो शॉर्ट डिस्टेंस करते हैं हमारे, इन लोग हम तो ये पूरे कंपटीशन, जितने भी कंपटीशन कल से चल रहा है 26 तारीख से, आज 27 तारीख हो गया, कल से जो ये कंपटीशन चल रहे हैं, तो मैं तो ये चीज़ से खुश हूँ कि जो भी बच्चे मेडल लिए हैं सब अपना बेस्ट से बेस्ट दिया है। जो भी इवेंट जो पूरा का पूरा टाइम इनको चेक करता है तो उसमें दिखता है कि लास्ट बहुत इतना इम्प्रूव हो गया इनका टाइमिंग, जो बच्चा 12 में चल रहा था 100 मीटर आज वो बच्चा कर रहा है 11। ये मेरा मेहनत नहीं सर, उनका खुद का मेहनत है, बस हम इनको थोड़ा टाइम दिया मेरा, और हम कुछ नहीं, ना ही हम इनको कोई कोच है ना ही, बस हम इनको टाइम दिया, इनको जो चल रहा था इनका साथ में, तो हमको लगा कि इनको कुछ कर सकते हैं, तो बस हम इनको मेरा थोड़ा सा वक्त दिया इनको। तो मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि अभी आने वाले जो भी बच्चे हमारे साथ में हैं, हमारे साथ जो एथलीट्स हैं, तो उनको जो है यही इनको देख के उनको ये चीज़ दिल में आना चाहिए कि इनका तरह हमको भी बनना है। तो मैं तो अभिषेक, सुरेश और विनीत का तो मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता कि आज उन लोग इतना अच्छे काम किया है, बहुत बड़ी बात है हम लोग के लिए, और पूरा टीम, हम लोग का पूरा टीम अंडमान निकोबार, पूरा अंडमान निकोबार एथलेटिक टीम जो है
सब पूरे टीम का तरफ से मैं इनको बधाई दे देता हूँ, पूरे टीम की तरफ से। थैंक यू सर। और सर अब सेकंड एंड थर्ड जो आपके 300 मीटर में जी उनको भी आते हैं, उनको भी बुला लेते हैं जी। बाकी सब जी सेकंड टीम हमारे एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हुआ अभी नेताजी स्टेडियम में है, मम्मू सर जो कोच थे वो उनका पूरा टीम है। तो अभी हमारे सामने है तीन जो चैंपियन और उनके साथ में पूरा टीम, उनका सेकंड एंड थर्ड जो सारे इवेंट में थे, सारे बच्चे हैं। और तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग किस इवेंट में थी आप और आपका रैंक क्या था? 400 वुमेन, उसमें फर्स्ट आई गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल। और आप? मेरा इंडिविजुअल इवेंट 100 था और लॉन्ग जंप था, दोनों में फर्स्ट पोजीशन आया। एंड आप? मेरा 100 मीटर था और रिले सब में था, इंडिविजुअल में थे ब्रॉन्ज है और बाकी दो में गोल्ड है। और आप? मेरा 1500 में गोल्ड है और 5000 में भी गोल्ड है। 400 × 400 में के हम लोग ब्रॉन्ज मेडल मिला। 100 में 200 में मैंने थर्ड पार्टिसिपेट किया, थर्ड पोजीशन। 4×100 का पार्टिसिपेट करी थी मिक्स रिले। ओके, तो और कोई? अच्छा, तो अभी हमारे ये सारे बच्चे जो है यहीं पे स्टेडियम नेताजी स्टेडियम में कोचिंग ले रहे हैं। कितने साल से कोचिंग ले रहे हैं आप लोग? सर हम 5 साल हो गया सर। 5 साल। तो आपको क्या लगता है कोच यहाँ होने के बाद आप अंडमान को रिप्रेजेंट करोगे फ्यूचर में, और क्या मेडल का उम्मीद लगा सकते हैं अंडमान की, आप गोल्ड मेडल लाओगे? हाँ सर, करेंगे सर, फैसिलिटीज कर सकते हैं। अच्छा, फैसिलिटीज मिलेगा तो आप गोल्ड मेडल लाओगे? ग्राउंड रहेगा, इक्विपमेंट रहेगा, प्रॉपर ग्राउंड। ग्राउंड में आपको कोई दिक्कत लग रहा है कुछ? बहुत बहुत सर। अच्छा, सिंथेटिक ट्रैक रहना है सबके लिए, तो यानी आप लोग को प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड चाहिए और अच्छा फैसिलिटीज चाहिए, नया टेक्नोलॉजी चाहिए, तब जो आपका ये बोलना है कि तब आप इंडिया के लिए या अंडमान के लिए गोल्ड लाओगे। ओके, थैंक यू आप सबसे बात करने के लिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। तो पहला बात ये बोलना चाहता हूँ कि मेरा सक्सेस का पीछे 3 जन थे। पहले सबसे पहला था मेरा कोच मम्मू सर और गोपीराम सर, जो मेरे को बहुत ट्रेन करे, और मम्मू सर जो बोला था कि तुम लाइफ में अगर तुम यहाँ से बाहर जाएगा और 1 साल अपना लाइफ में दे दिया तो तुम कहीं और पहुँच जाएगा, तो वो सुन के हम इतना तक आए और इतना दूर पहुँच गए। और सेकेंड था मेरा फ्रेंड्स लोग जो मेरे को इतना मोटिवेट करे, हर एक दोस्त लोग बोले तुमसे होएगा होएगा, मेरे को हर एक जगह में पुश करे, सुरेश बहादुर जैसे सेकंड मारा, अभी भी उनका यही मोटो है कि चलो ये बाहर दिया, बाहर गया मार दिया। और थर्ड आता मेरा पेरेंट्स जो मेरे को फिनेंशियली सपोर्ट करे, हर जगह से सपोर्ट जो भी मांगा सब लेके दिए जो भी है। तो इन लोग सबको हम बहुत बड़ा थैंक्स और लव यू बोलना चाहता हूँ, बिकॉज उन लोगों को जैसे हम यहाँ तक पहुँचा है। सो ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। जैसे कि आपने देखा कितने बच्चों ने कितने मन से पार्टिसिपेट किया और कुछ बच्चों ने मेडल भी जीता। अगर इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन गेम्स को बढ़ावा देगा, ऑर्गेनाइज करता रहेगा, तो हमारे बच्चे गेम्स में इन्वॉल्व रहेंगे, ना कि ड्रग्स में। जो हमने मुहिम छेड़ी है ड्रग फ्री अंडमान की, ये भी कामयाब होगी। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त करना चाहूँगा, इस तरह के इवेंट्स ये हमेशा ऑर्गेनाइज करते रहें, ताकि बच्चों को बढ़ावा मिले स्पोर्ट्स में आने का, स्पोर्ट्स खेलने का। और इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा। आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और एक ज़रूरी सूचना, बेल आइकन दबाना मत भूलना।